प्ले विथ मैथ्स के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं रोशन प्रिंस आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल मैंने 5 प्रॉब्लम किया था, डिफ्रेंशिएशन के रूल पे मैंने 5 क्वेश्चन किया था, ठीक है। आज हम उस सीरीज को बढ़ा रहे हैं, आज छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, आपको दिख रहा होगा कि यू इंटू वी के फॉर्म पर दिख रहा होगा, यू इंटू वी के फॉर्म पर है। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है, यू इन टू वी को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि यू को छोड़ दीजिए, यू को छोड़ दीजिए और वी का डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस वी को छोड़ दीजिए, यू का डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसी फार्मूला को जब यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये डी वाई वाई डी एक्स बहुत अच्छा है, वाई की जब ये है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। तब इसको जब यू इंटू वी के फॉर्म पे तोड़ेंगे तो यू को कह रहा है छोड़ने के लिए, तो यू को ऐसे ही हम छोड़ देंगे, कोसेक एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स मीन्स कॉट का डिफ्रेंशिएशन कह रहा है कॉट एक्स बाय डी एक्स, और ये प्लस वी को छोड़ दीजिए मीन्स कॉट को ऐसे बाहर छोड़ दीजिए और कोसेक्स का डिफ्रेंशिएट कीजिए कोसेक एक्स बाय डी एक्स। देखिए कोसेक एक्स इंटू, अब कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को याद रहना चाहिए, क्या क्योंकि इस टाइप के जब भी सवाल बनाएंगे तो इसमें हमेशा फॉर्मूला यूज होगा। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स का वाई हो जाएगा, लिख देंगे क्योंकि इसका कुछ नहीं करना इनटू। जब कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएट इसका वैल्यू आता है माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस बाहर कोसेक एक्स वन है, ये पावर टू है, तो ये हो जाएगा कोसेक पावर क्यू एक्स प्लस है, ये माइनस गुना होकर ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए कॉटेक एक्स तो ये हो गया कॉटेक स्क्वायर एक्स, पहले इसको लिख लेते हैं कॉशेक एक्स सिंगल है और ये कॉटेक स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर हो गया। जल्दी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये 7वां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन बता दीजिए अब 7वां क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन मिले तो पहले तो ये हमको देखने को मिलेगा कि ये यू बाई बी के टर्म में है, ठीक है, यू बाई बी के टर्म में है, लेकिन इसमें देखेंगे कि ये है एक्स है और प्लस बी है, इसको कैसे बनाएंगे भाई। तो ये टर्म और ये बी टर्म कांस्टेंट होता है, ठीक है, मीन्स अचर होता है, जो वेरिएबल जो होता है ना अचर, कोई कांस्टेंट नंबर जैसे 5 और एक्स है तो यही ए है, और प्लस जो 10 है तो ये डी है, समझे, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है। तो इसका जब हम पहले यू बाई वी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई डी एक्स और इसका ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, यू वाई वी के टर्म में तोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बी को छोड़िए तो सी एक्स प्लस डी और यू का डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो यू का डिफ्रेंशिएट ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, उसके बाद माइनस यही ए एक्स प्लस बी को छोड़ दीजिए, ए एक्स प्लस बी को वैसे रहने दीजिए और नीचे वाले सी एक्स प्लस डी को डेरिवेट कीजिए, डी बाई डी एक्स और सी एक्स प्लस डी बाय नीचे वाले को स्क्वायर करना है सी एक्स प्लस डी, यही ना फॉर्मूला होता है। देखिए इसको ऐसे ही बाहर है तो बाहर रख लेते हैं सी एक्स प्लस डी, देखिए इसका डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी है तो इसको ए एक्स को अलग डेरिवेट और बी को अलग करेंगे, तो इसमें डायरेक्टली कर देते हैं इंटू ए को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है एक्स का वन होता है मीन्स ए, और ये प्लस बी कांस्टेंट है इसका जीरो होता है, माइनस ये ए एक्स माइनस बी प्लस बी बाहर हो जाएगा, और वैसे ही डी कांस्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा, इसमें सी बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट है और एक्स का वन होता है मीन्स इसका भी सी प्लस जीरो बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, देखिए ए प्लस जीरो ए हो जाएगा, एक से इस सब में गुना कर देते हैं, हो जाएगा ए सी एक्स, अच्छा एक को ऐसे लिख देते हैं सी एक्स प्लस डी
और माइनस सी ए एक्स प्लस डी बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखेंगे इसको, कुछ नहीं, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, ये है, ये है टर्म। अब क्या करते हैं ना, इसको इसमें गुणा कर देते हैं, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस सी ए एक्स मीन्स ए सी एक्स और ये प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस बी सी। देखिए कोई टर्म है ऐसा जो कटने वाले हो, कोई टर्म ऐसा दिख रहा है जो कट रहा हो, देखिए ए सी एक्स प्लस और ए सी एक्स माइनस कट जाएगा और ए डी माइनस बी सी ये बच जाएगा, ए डी माइनस बी सी बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो यू बाई वी के टर्म पे है, यू बाई वी के टर्म पे, इसको भी वैसे यू बाई वी के टर्म पे तोड़ लेते हैं। तो कहते हैं ना कि यू बाई वी के टर्म पे नीचे वाले को पहले लिख लीजिए, जैसे वैसे लिख लिया, और इसका यू का डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स माइनस जो ऊपर वाले यू है उसको ऐसे लिख दीजिए, सेम टू सेम कुछ चेंज नहीं, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको ना इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हर एक जितना डेरिवेटिव है साइन का कॉस का टेन का सबका आपको याद बहुत रहना जरूरी है। एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले को स्क्वायरिंग करते हैं ये टर्म जैसे वैसे लिख देते हैं एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका ये अलग अलग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का हमेशा वन होता है ऑलवेज, हम बताए थे कैसे होता है, एक्स का वन प्लस साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएट आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है जी, साइन का कॉस एक्स जो कि मैंने ग्रुप भी किया है, साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स होता है माइनस ये एक्स प्लस साइन एक्स और डी आई डी एक्स, देखिए ये एक्स का पहले तो एक्स का वन होता है प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस को प्लस से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा साइन एक्स बाय नीचे वाले का स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का। इसको अब ना मल्टीपल करते हैं इसके साथ और इसके साथ, एक्स को जब एक से गुणा करेंगे एक्स ये होगा, एक्स को जब कॉस एक्स से गुणा करेंगे प्लस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, ठीक है वैसे ही इसको इससे गुणा करेंगे तो कॉस एक्स वन से तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस जैसे वैसे रख देते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट करके इसको हम गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट हटा देंगे, तो एक्स को जब एक से गुणा करेंगे तो एक्स होगा, एक्स को माइनस साइन एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स, अब देखिए इसका टर्म हो गया, अब इसका प्लस साइन एक्स है इसमें पूरा हम गुणा करेंगे तो प्लस साइन एक्स और एक्स को गुणा करेंगे तो साइन एक्स, और ये माइनस को प्लस है तो प्लस गुणा माइनस माइनस और साइन एक्स का साइन एक्स का स्क्वायर एक्स ब्रैकेट पूरे का और ये एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है उसका अगला देखिए, अगला देखिए इतना टर्म आ गया, क्या करेंगे ना माइनस को हटा लेंगे ब्रैकेट को हटाएंगे तो जैसे वैसे लिख देते हैं एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस को एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स साइन एक्स, प्लस गुणा माइनस माइनस साइन एक्स, माइनस गुणा माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई ये पूरे का होल स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स एक आइडेंटिटी होता है जिसका वैल्यू वन होता है, ठीक है ये वन को साइड कर लेते हैं, यहाँ देखिए एक्स और माइनस एक्स है ये कट जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ देखेंगे एक्स कॉस एक्स और ये एक्स साइन एक्स, इसको पहले लिख लेते हैं एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स हो गया, एक देखेंगे कॉस एक्स और ये साइन एक्स बच रहा है तो प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू वन होता है
बाय एक्स प्लस कॉस एक्स का और उसका। अब इसमें देखेंगे ये दोनों टर्म में हमें एक्स कॉमन है, तो एक्स निकाल लेते हैं। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये प्लस वन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोस्ट में कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाय एक्स प्लस कॉस एक्स का और इसको बन गया, इतना ही लाना था, यही डेरिवेटिव है। अब आगे हम अगला वीडियो जो भी आएगा उसमें हम चेन रूल को बताएंगे, चेन रूल होता क्या है, चेन रूल से बड़े बड़े क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। एक एक पेज का उसका सोल्यूशन होगा, दो दो पेज का सोल्यूशन आता है, बड़े बड़े जो भी फंक्शन होगा उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिए हमें चेन रूल की आवश्यकता होती है। तो जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को शेयर करें, क्योंकि मैं